चैप्टर फिफ्थ, नन्ही बूंदे, कविता के माध्यम से। बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया गया है कि जल ही जीवन है, यानी जल हमारा क्या है, जीवन। यदि जल नहीं होगा, ये सब बात आप भी जानते हो कि एक दिन आप पानी के बगैर नहीं रह सकते। आप खाने के बगैर रह सकते हो, भूखे रह सकते हो एक दिन, लेकिन आप पानी के बगैर नहीं रह सकते। यदि जल ही जीवन है, यदि जल नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हम जीवित कैसे रहेंगे। जल ही हमारा जीवन है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे इस संसार को नया जीवन प्रदान करती। वर्षा की कौन सी बूंदे, नन्ही नन्ही बूंदे इस संसार को जीवन प्रदान करती है। वर्षा के जल से ही धरती हरी भरी रहती। ये जो धरती है वो हरी भरी रहती है किसके जल से, वर्षा के जल से। यदि बारिश नहीं होगी तो जल नहीं होगा, जमीन का जल सूख जाएगा और पेड़ों में हरियाली नहीं होगी। नन्ही बूंदे, नन्ही आपकी जो कविता है इसका नाम है नन्ही यानी छोटी छोटी, बूंदे यानी बूंदे पानी की बूंद, नन्ही बूंदे यानी छोटी बूंद। देखिए, पहले मैं इसे कविता की तरह पढ़ूंगी, फिर आपको देखूंगा। काले काले बादल की हम नन्नी नन्नी बूंदे हैं, यानी कवि कहते हैं, बूंदे कहती है, कवि ने बूंदों के माध्यम से बताया है कि बूंदे अपने आप को कैसे व्यक्त करती है। काले काले बादल की, जो आसमान में शिवम गुप्ता, आराध्य गुप्ता, आप बार बार में आ रहे हो, अब आप आए हो, आप बहुत लेट हो, आप जल्दी आया करो बेटा, क्लास स्टार्ट 20 पे हो जाती है, आप 20 पे एडमिट कर लीजिएगा सब सारे बच्चे, बार बार में डिस्टर्ब होता है। काले काले बादल की, आसमान में जो काले काले बादल होते हैं, आसमान में बारिश कब आती है, जब बादल होते हैं, मेघ बरसते हैं, तभी तो आसमान में बारिश आती है। तो काले काले बादल की हम छोटी छोटी सी बूंदे हैं। बूंदे क्या कहती है कि काले काले बादल की हम छोटी छोटी सी बूंदे हैं, शीतल जल की, मीठे जल, यानी जो बूंदे हैं वो कैसी है, बूंदों का जो जल है वो कैसा है, शीतल है। कैसा जल है वो, शीतल। शीतल का मतलब जानते हो आप, शीतल का मतलब होता है ठंडा। आप पेंसिल लेके आप नोट भी कर सकते हो, इस जगह पे शीतल का जल होता है ठंडा। शीतल जल की यानी ठंडे जल की, ठंडे पानी की, मीठे जल की और मीठा। बूंदे बूंदे होती हैं, उनका जल कैसा होता है, मीठा होता है। जल की और मीठे जल की हम छोटी छोटी बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ, कभी कहता है, सॉरी, बूंदे कहती है कि हम बादल के पंखों पर बैठकर, यानी बादल रूपी पंख पर बैठकर हम आसमान से उतर कर आती। हम कहां से उतर कर आती हैं, बादल जब होता है, काले काले बादल छाते हैं, तो उसके बादल रूपी पंखों पर बैठ करके हम आसमान से उतर कर आती हैं। कहां से उतर कर आती हैं बूंदे, आसमान से। बादल कहां पर होते हैं, आसमान में होते हैं, और बूंदे कहां से आती हैं, आसमान से उतर करके नीचे आती हैं। रिम झिम छम छम मीठा गाकर, और जो बूंदे होती हैं वो कैसे गाती है, रिम झिम, यानी उनकी जो वॉइस होती है, आवाज होती है बूंदों की, वो कैसी होती है, जब बूंदे गिरती है ना तो उनकी आवाज रिम झिम होती है। छम छम मीठा गाकर, यानी जो बूंदे हैं वो छम छम की तरह मीठा गाना गा करके झूम झूम कर जल बरसाती है। तो कैसे जल बरसाती है, झूम झूम करके अपने जल को बरसाती है। कौन बरसाती है, बारिश की नन्नी नन्नी बूंदे। मुंह धो देती फूलों का हम, और बूंदे क्या कह रही, बूंदे कह रही है कि हम तो बरस करके मुंह धो देती फूलों का, जब हम बरसते हैं
तो वो सभी के ऊपर बरसती है, फूलों के ऊपर भी बरसती है। तो बूंदें कहती है कि हम फूलों के ऊपर जब बरसते हैं तो उनका भी हम मुंह को, उनके मुंह को, फूलों के मुंह को क्या कर देती है, धो देती है। आपका जो पिक्चर है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे फूल है और यहाँ बारिश हो रही है, ये फूल है आपके, तो बूंदें कह रही है कि हम उन फूलों के ऊपर बरस कर उनके मुंह को भी वो धो देती है। पेड़ों को हरियाली दी, बूंदे कहती है कि हम बूंदे ही हैं जो इन पेड़ों को क्या देती है, हरियाली देती है, इन्हें हरा भरा बनाती है। जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती है। कभी कहता है कि जीवन उसी को मिलता है, बूंदे कहती है जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती है। बूंदे क्या कह रही है, जिस प्राणी पर हम पड़ जाती हैं, हम बूंदे जहां गिरती हैं, जिस प्राणी को छू लेती हैं, उसी को जीवन मिल जाता है। यानी यदि बारिश नहीं होगी, पानी की बूंदे नहीं पड़ेंगी, तो पेड़ भी, फूल भी, सब मुरझा जाएंगे, सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। यानी जो बूंद है वही हमको जीवन देती है। मानव को भी यदि बारिश नहीं होगी तो जमीन में पानी कहाँ से आएगा, और पानी नहीं होगा तो जमीन से हम पानी कैसे निकालेंगे। तो बूंदों से ही, बारिश से ही पानी हमें प्राप्त होता है। पानी का सबसे ज्यादा जो स्रोत है वो कौन सा है, बारिश। बारिश से ही हमें जल की प्राप्ति होती है और जीवन उसको मिल जाता है। यानी बूंदों से ही पेड़ों को हरियाली मिलती है और जिस प्राणी के ऊपर हम पड़ जाते हैं, बूंदें छूट लेती हैं, उसको जीवन नया मिल जाता है। अगला है, छोटी है पर काम बड़े हैं। बूंदें क्या कहती है कि हम छोटी सी हैं, हम बहुत छोटी हैं, नन्ही नन्ही बूंदें हैं, लेकिन जो हमारे काम है वो बहुत बड़े हैं। हमारे क्या बड़े हैं, काम बड़े हैं। बूंद बूंद से सागर भरती, बूंदे कहती है कि बूंद बूंद से, कभी ने भी कहा है, हमारी ये कहावत भी है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। यानी हमें पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा एक 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 घड़े में डालें तो धीरे धीरे वो घड़ा भी भर जाएगा। यदि सागर में एक एक बूंद गिरती है और उस एक एक बूंद से वो सागर पूरा पानी से भर जाता है। यानी बूंद बूंद से ही सागर भरता है, बढ़ जाता है, जिसको छूती खुशियों से भर जाती धरती। यानी जो बूंद है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है और भर भर के वो आगे बहुत बढ़ जाता है, और जिसको भी बूंदे छू लेती है उसकी धरती खुशियों से भर जाती धरती। और धरती है जहां जहां पर, धरती पर ये बूंदे पड़ती हैं और खुशियों से भर जाती, और जो धरती है वो खुशियों से भर जाती है। बूंदों के गिरने से जो धरती है वो खुशियों से भर जाती है। ये पोयम है बेटा, आपकी ये पोयम कंप्लीट हुई। इसके वर्ड मीनिंग देखिए, फिफ्थ चैप्टर के, शीतल यानी ठंडा, सागर यानी समुद्र, प्राणी का मतलब होता है जीव जंतु, हरियाली पेड़ पौधों का हरापन, जीवन जिंदगी, धरती जमीन पृथ्वी, ये आपके वर्ड मीनिंग है। ये आपको लर्न करने हैं वर्ड मीनिंग सारे बच्चों को। अमृत सहगल, अमृत सहगल आपने हैंड रेस किया हुआ है, पहले आपसे बात करती हूँ, आपने क्यों किया हुआ है, आपकी कोई क्वेरीज है, आपको अनम्यूट किया अमृत, बोलिए अमृत, बोलिए मैम। मैम हर चैप्टर, मैम हर चैप्टर में कॉपी में हमें सिर्फ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरी करने हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स और टिक मार्क वाले भी। आपको केवल आपको हर चैप्टर में कॉपी में एक तो आपको शब्दार्थ करनी है बेटा, ओके, एक तो आपको यस मैम, और
दूसरा आपको क्वेश्चन आंसर, बस और कुछ नहीं करना है, क्योंकि करेक्ट बेटा आपके घर में बहुत आवाज आ रही है, टिक द करेक्ट, और घर में बहुत आवाज आ रही है, कविता की पंक्तियां हैं वो आपको कॉपी में बुक में ही फिल कर दी। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैं ओके थैंक यू मैम, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। मनिका गुप्ता मैम, बोलिए मनिका। मैम पोयम की कितनी लाइन लिखी है? बेटा पोयम आपको कॉपी में नोट करनी है, प्लस उसके वर्ड मीनिंग नोट करने हैं और उसके क्वेश्चन आंसर, और कुछ नहीं करना है, बाकी की आपको बुक में ही फिल करनी है। ओके मैम, कितनी लाइन लिखी है? मनिका आपके घर से आवाज आ रही है, आप पहले इस आवाज को बंद कीजिए। मनिका बोलिए। मैम हम ये कह रहे हैं कि हमारी रोड बनने से आवाज आ रही है बाहर से। मैम आप बोलिए। मैम हम ये कह रहे हैं कि कितनी लाइन लिखनी है पूरी? बेटा आप बोलिए, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, आप बोलिए दोबारा। मनिका अंशिका मैम यस मैम मैम, वो जो ये जो पोयम है ना नन्नी बूंदे वाली, कि हमें फुल पोयम, ये पूरी पोयम हमें एक तो कॉपी में लिखनी, और उसके शब्द क्वेश्चन आंसर हमें अभी अभी कॉपी में लिखने हैं ना। ओके बेटा, हाँ लिखने हैं बेटा। ओके ओके, और कुछ तो नहीं पूछना है, ये तो मैं बता ही रही हूँ आपको। हाँ। देखो क्या करना है, नन्नी बूंदे ये पोयम डाल के आपको कॉपी में नोट करनी है, प्लस इसके क्वेश्चन आंसर करनी है कॉपी में नोट, और शब्दार्थ, बाकी का एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है बच्चों। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब आपको म्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके मैम, मैम हमने अनम्यूट कर लिया है हमें। ओके ओके ओके, अब हम आपको कर दें। ओके चलिए, अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है। अब मैं एक एक बच्चों को तो ये स्पेशली बताऊंगी नहीं, मैं दोबारा से सबको रिपीट कर देती हूँ कि आपको फिफ्थ चैप्टर में, चैप्टर में देखिए बच्चों, फिफ्थ चैप्टर में आप सबको पोयम लिखनी है। फिफ्थ चैप्टर की मैंने आपको फोर्थ चैप्टर से कराया हुआ है, जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं उनको भी मैं बता देती हूँ, फोर्थ चैप्टर के वर्ड मीनिंग। ओके बच्चों, फोर्थ चैप्टर के शब्दार्थ इसमें दिए हुए नहीं है तो आपको नहीं करने, फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं, और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट और फिल अप और ट्रू फॉल्स, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। ओके ये आपको बुक में ही फिल करने हैं, केवल क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है? ये तो हो गया फोर्थ चैप्टर। अब फिफ्थ चैप्टर का देखिए, जो बच्चे अब न्यू आ रहे हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं दोबारा फोर्थ का बता दिया है। अब जो कल मैंने स्टोरी करवाई थी आपको कछुआ और खरगोश की, वो स्टोरी केवल आपके पढ़ने के लिए थी, ठीक है? उसको लिखना नहीं है, ना ही उसको कुछ करना है, केवल आपकी रीडिंग के लिए है। अब आगे आपका फिफ्थ चैप्टर जो मैंने आज करवाया है, जो फिफ्थ चैप्टर है इसकी जो पोयम है ये आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है बेटा, और इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर पर, बाकी की इसकी एक्सरसाइज टिक द करेक्ट और थर्ड एक्सरसाइज है इसकी फिलअप, ये मैं आपको कॉपी में बुक में फिल करवाऊंगी, अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखवाऊंगी, आप लोगों को अपनी बुक में फिल करना है। ओके
ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया होगा, अब किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही हैंड रेज करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने सब क्लियर कर दिया है क्या लिखना है आपको क्या नहीं लिखना है। अयन अग्रवाल बेटा आप इस तरह पूछते रहोगे तो मैं आगे नहीं करवा पाऊंगी। अयन बोलिए क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम एक बार आप सर दर्द दिखा दीजिए इस चैप्टर के। आपके पास बुक नहीं है? नो मैम। बेटा आप बुक कब परचेज करोगे आप मुझे ये बताइए, कब परचेज करोगे आप बुक? मैम हमने बुक तो परचेज कर ली है, तो हम एक्चुअली अपने दादी के घर आए हुए हैं। ओके ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वर्ड मीनिंग का। ओके और मैम क्वेश्चन आंसर्स भी, क्वेश्चन आंसर भी कर रही हूँ। ओके अब देखिए, ये देखिए बच्चों, ये पेज आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसकी मौखिक कार्य बताऊंगी आपको। अरे तेरे पास है तो ये ये दिया हुआ है, तब मौखिक उत्तर आपकी स्क्रीन पर आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है, और जिनके पास बुक है आप बुक में देखिए। पहला है उत्तर बताओ, बूंदे कहाँ से आती है? बूंदे कहाँ से आती है? ओरली है, आप सबको पता है बूंदे कहाँ से आती है? आसमान से उतर कर आती है बूंदे। तो पहला ओरली आपको बताना है, ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल ओरल पूछने के लिए है ना। बूंदे कैसा जल बरसाती है? तो बूंदे आपका शीतल और मीठा जल बरसाती है। ओके सेकंड वाला हो गया, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपसे पूछूंगी। ओके बूंदे बरसने पर क्या होता है? जब बूंदे बरसती है तो क्या होता है? बूंदे बरसने पर पेड़ों को हरियाली मिलती है, और बूंदे जिसे भी छू लेती है उसको नया जीवन मिलता है। ओके ये आंसर मैंने तीनों आपको बता दिए हैं, अब यही आंसर मैं आपसे अभी वन बाय वन आपको पूछूंगी, पहले इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। ओके ये तो आपका ओरल था, अब इसके वर्ड मीनिंग जिसके पास नहीं है वो ले लीजिए, बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिए गए प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखो। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, बूंदे कैसी है? बूंदे कैसी है तो आपको पता है बूंदे नन्ही है, तो इसका आंसर यही है बूंदे नन्ही। अभी मैं सारे आंसर आपको पढ़ के बता रही हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगी, आप इनको लिख सकते हो, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो आसानी, ले लीजिए। दूसरा वाला है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, बूंदे क्या क्या काम करती है? बूंदे क्या क्या काम करती है? इसका आंसर लिखा हुआ है, बूंदे पेड़ों को हरियाली देती है तथा इस संसार को नया जीवन प्रदान करती है। ये आंसर है, बूंदे क्या क्या काम करती है? बूंदे पहला काम है पेड़ों को हरियाली देती है तथा इस संसार को सबको क्या करती है? नया जीवन प्रदान करती है। ये इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, बूंद हमें क्या संदेश देती है? बूंद हमें क्या संदेश देती है? आंसर, बूंद हमें यह संदेश देती है, क्या संदेश दिया है बूंद ने अपने माध्यम से, कि जल ही जीवन है। क्या संदेश है? यह संदेश दिया गया है कि जल ही जीवन है। ओके ये क्वेश्चन आंसर आपको जो मैंने अभी पढ़ के बताएंगे ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाओ।
सही उत्तर के सामने क्या लगाना है आपको? सही का चिन्ह लगा। बूंदों का जल कैसा है? शीतल और मीठा। यहाँ पे शीतल और मीठा लिखा हुआ है। आप आपने देखा है कि मैंने टिक लगाया हुआ है शीतल और मीठा पे, शीतल और मीठा पे मैंने टिक लगाया हुआ है। हो गया। ओके। अब इसका नेक्स्ट पेज आपको शेयर करती हूँ। ये सबका हो गया, अभी कर लीजिए। सिद्धपाल मैम, सिद्धपाल बोलिए बेटा। मैम तो हम इसके कटिंग चाहते हैं, वो नहीं करने। क्या बेटा? जो मैम इसकी कटिंग चाहते हैं, हम दर्द की बात लिखी है। बेटा क्लियर बोलिए ना, क्या नहीं करने? मैंने आपको अभी बोला क्या क्या करना है, आपने सुना था? यस मैम। हाँ तो वही करना है आपको, और क्या पूछना है बताइए। मैम ये पूछ रही थी कि मैम तो शब्द अर्थ के बाद में हम कठिन शब्द लिखे, मैम वो नहीं कर ले। कठिन शब्द नहीं, ये शब्द अर्थ ही कर रही है बेटा। ओके मैम, ये पूछना था मैम। यस मैम। बेटा ये हो गया, अब देखिए इसका नेक्स्ट पेज। ये देखिए इसी चैप्टर का नेक्स्ट पेज है। बूंदें पेड़ पौधों को क्या देती हैं? हरियाली देती हैं। हरियाली पे टिक किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए, मैं बता भी रही हूँ बुक में डायरेक्ट। बूंदें किस में भरी होती है? बूंदें बादलों में भरी होती है। आसमान से तो आती है, बालों में भरी हुई होती है। तो फर्स्ट में आपका बादल आ जाएगा, गा वाले में फर्स्ट ऑप्शन। ओके टाइम फिलअप कर लगा। वो लकड़ी के कारीगर का फोन आ रहा है। पहले तो मैंने क्लास में भी मैसेज नहीं भेजा है, पहला वो भेज दूंगा। मेरी तो अपने आप ही ओवर हुई है, मैंने करी थोड़ी है। तेरी अपने आप ही हो गई, मेरी भी आपने आप मैंने करी थोड़ी है। पहले क्लास सिक्स का दे रही हूँ। अरे मैंने ये लिखना क्लास सिक्स का मैंने भेजा ही नहीं है। क्लास सिक्स बच्चे कितने आए थे? मुझे
क्लास सिक्स के तो 25 है ने पेन दे दे यार खाली पेन ही नहीं चलते चालीस एट्थ के चालीस सिक्स के चालीस ऑनलाइन तो मैंने भेजा ही नहीं था मेरी बेटी मेरी मेरी बेटी मेरी अब ला आना मम्मी ये देखो ये यार मैं ये देखो करने के लिए घर पर बनाया है तो बनाया हाँ लकड़ी वाले को फोन कर लो तेरे तारीख को तेरे तारीख कब है तेरे तारीख तक